तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है शिबा इन्होंने अपनी शिब इथर्निटी गेम थी उसको ऑस्ट्रेलिया के बीच में लॉन्च किया था और अब ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो एप्पल और साथ के साथ गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके बाद सायतोशी कुशामा के पास बहुत से ट्वीट, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे मेल्स आने स्टार्ट हुई, भाई हमारी कंट्री में कब लॉन्च करोगे या फिर वर्ल्ड वाइड कब लॉन्च करोगे। तो इसके ऊपर सायतोशी कुशामा ने जवाब दिया, भाई हम काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है, भाई जब यहां पर लॉन्च की गई है इस गेम को तो उसके बाद क्या बेनिफिट देखने को मिला था प्राइस में? तो गाइस मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको, भी बेनिफिट तो देखने को मिलता लेकिन इतना ज्यादा प्राइस पंप नहीं किया था। प्राइस पंप हुआ था 5.17%, मतलब 5% का पंप देखने को मिला था। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, शायद तो उसी कुशामन ने बोला था भाई इस गेम के अंदर एक बर्न मैकेनिज्म भी है, यानी बर्निंग भी होगी उसके थ्रू, क्योंकि जो बर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिबा इनू के लिए। अगर बर्निंग नहीं होगी तो हमारी टोटल सप्लाई कम नहीं होगी और टोटल सप्लाई कम नहीं होगी तो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। तो सेम वे में उन्होंने एक बर्न मैकेनिज्म को बताया था, एक्सप्लेन तो नहीं किया उस चीज को लेकिन यह बताया था भाई जो हमारी शिब इथर्निटी गेम है उसके बीच में एक बर्न मैकेनिज्म है और वो किस तरह वर्क करेगा वो अभी उन्होंने नहीं बताया, मतलब रिवील नहीं किया एक तरह से। तो जैसे ही वो आएगी गेम इंडिया के बीच में या फिर ऑल ओवर एशिया में तब हम बता देंगे उसको भाई, या फिर वो खुद रिवील कर देंगे। अगर बर्निंग की बात की जाए तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 126 मिलियन शिबन टोकन्स के एक बर्निंग देखने को मिली है, साथ के साथ लास्ट 24 आवर में 132 मिलियन शिबन टोकन्स के बर्निंग देखने को मिली है, जिसके कारण जो बर्न रेट है वो 1500 को भी क्रॉस कर चुका है। ये पर डे का है, मतलब 1500% क्रॉस कर चुका है बर्निंग। चलिए मैं आपको और डिटेल से दिखा देता हूं, देख सकते हैं लगभग 21 घंटे पहले की रिपोर्ट है, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 126 मिलियन शिबन टोकन्स को बर्न किया गया। और साथ के साथ अगर लास्ट 24 आवर की बात की जाए तो लास्ट 24 आवर के बीच में लगभग 132 मिलियन शिबन टोकन्स को बर्न किया गया है, इंक्लूडिंग वो 126 मिलियन भी इसी के बीच में इंक्लूड करके। साथ के साथ अगर बात की जाए पास्ट आवर की, यानी बीते हुए एक घंटे की, तो उसमें लगभग 2 मिलियन शिबन टोकन्स को बर्न किया गया, यानी 1.8 लगभग 2 मिलियन शिबन टोकन्स को बर्न किया गया, यानी बर्निंग रेट है जो 1500% तक बढ़ चुका है। साथ के साथ यहाँ पर बर्निंग तो चल रही है, क्या इथेरियम वहेल्स जो बड़ी बड़ी अकाउंट है वहेल्स अकाउंट, क्या उन्होंने होल्ड कर रखा है शिबन को या फिर सेल आउट कर रहे हैं वो? तो होल्डिंग की हम बात कर लेते हैं, टॉप 100 इथेरियम वहेल की होल्डिंग में नंबर 1 पे शिबा इनू बना हुआ है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको परचेज भी किया जा रहा है साथ के साथ होल्ड भी किया जा रहा है। लेकिन प्राइस का मैटर ये है भाई, प्राइस जो हमारा है टोटल सप्लाई से रिलेटेड है भाई, टोटल सप्लाई हमारी बहुत ज़्यादा है, उसको कम से कम होने में टाइम लगेगा या फिर बर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए शिबा इनू ने शिब इथर्निटी गेम के बीच में बर्न मैकेनिज्म को ऐड किया है। अब बात कर लेते हैं आज क्या प्राइस रहा है ओवरऑल मार्केट में शिबा इनू का, और ओवरऑल मार्केट कैसी रही, आज किस तरह का रिएक्ट किया। तो ओवरऑल मार्केट लगभग 1% से माइनस में चलती हुई नजर आ रही है। बिटकॉइन की बात कर तो बिटकॉइन पिछले एक घंटे से 0.28% प्लस में है और पिछले 24 घंटे से 0.54% प्लस में है। इथेरियम की बात कर रहे तो पिछले एक घंटे से 0.66% प्लस में है और पिछले 24 घंटे में 1.31% गिरावट में देखने को मिला था। अब बात करते हैं शिबा इनू की, तो शिबा इनू लगभग 2% माइनस में चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां ओवरऑल मार्केट 1% माइनस में है वहीं पर शिबा इनू लगभग 2% माइनस में है। साथ के साथ रैंक की बात करें तो अभी 14 रैंक शिबा इनू का स्टेबल है, 14 रैंक पे बरकरार बना हुआ है। प्राइस ग्राफ की बात कर लेते तो प्राइस ग्राफ में आप देख सकते हो भैया सुबह हल्का सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता प्राइस में, वो भी 0.72% का, 1% भी कंप्लीट नहीं होता, और उसके बाद लगातार माइनस में गया। ज्यादा माइनस में जाने के कारण इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको परचेज किया, फिर माइनस में गया, फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा, जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता रहा लोग इसको परचेज करते रहे, तभी यहां पर ये हाई पीक पे जाता रहा और उसके बाद फिर से सेल आउट कर दिया, सेल आउट करने के बाद फिर लो पीक पे गया, फिर सेल आउट होने के बाद फिर से एक हाई पीक बनना स्टार्ट हुआ। अगर यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हो माइनस के 9.73%, क्योंकि यही ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 3 घंटे पहले 17.31% पे था और
अभी 9.73 परसेंट है, मतलब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरावट में जा रहा है तो मैक्सिमम बायर्स इन्वेस्टर्स इसको परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस जितना ज़्यादा माइनस में जाएगा उनके प्रॉफिट होने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा, जिसको मैंने अपनी भाषा में बताया था इंस्टेंट प्रॉफिट, जिसको मैंने एक वर्ड दिया था इंस्टेंट प्रॉफिट, भाई जैसे जैसे प्राइस माइनस में जाएगा वैसी वैसी प्राइस जो उनका इंस्टेंट प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यही कारण रहता है जैसे जैसे प्राइस माइनस में जाता है जो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पंप करता हुआ नजर आता है, और कई टाइम पे क्या होता है प्राइस भी प्लस में चल रहा होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम भी प्लस में चल रहा होता है, वो सबसे बेस्ट इंडिकेशन है किसी भी टोकन के लिए। तो गाइस यही थे इस वीडियो के बीच में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।